1 lakh subscribers. We are family of 1 lakh subscribers on YouTube. Oh my god, this is huge. And the other good news is my channel just got verified and I am so so happy. So thank you so much guys, आपको मेरे content इतना अच्छा लगा और आपने मुझको इतना support किया and आज हम मतलब यहाँ से हम यहाँ आ गए हैं 1 lakh subscribers. थैंक यू सो मच एवरीवन. सो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट ज्वेलरी एंड ज्वेलरी, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ चुका है. वही दिवाली है, भाई दूज है, गोवर्धन है और इससे पहले करवा चौथ है. इतने नए नए कपड़े आप पहनेंगे, इसमें आपको क्या चाहिए? ज्वेलरी. एक ज्वेलरी सेट आपके पूरे जो लुक को ना चेंज कर सकता है. तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी वो ज्वेलरी जो मैंने रिसेंटली परचेज की है फॉर फेस्टिव सीजन, और इसके साथ ही जो ऑलरेडी मेरे पास सेट्स पहले से ही थे मैं आपको वो भी दिखाऊंगी. तो ऑल टुगेदर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग दोनों तरह की ज्वेलरी आपको आज वीडियो में देखने को मिलेगी. और इसके साथ ही मेरे चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं और इसके साथ ही मेरा चैनल वेरीफाई हुआ है, तो उसकी खुशी में एक गिव अवे भी है. और वो जो गिव अवे है उसके लिए आपको क्या करना है आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा. सो जस्ट कीप वॉचिंग एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट इट. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको वो ज्वेलरी सेट दिखाना चाहती हूँ दैट इज वेरी स्पेशल टू मी. वो है कि ज्वेलरी सेट ये मैंने अपनी शादी के टाइम खरीदा था और शादी के एक फंक्शन में मैंने ज्वेलरी सेट पहना था. और ये ज्वेलरी सेट उसके बाद काफ़ी बारी पहन चुकी हूँ बट दिस इज लाइक रियली 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 स्पेशल टू मी. मुझको ये बहुत प्यारा भी लगता है, बहुत एलिगेंट भी लगता है एंड इट लुक्स सो स्टाइलिश. मतलब आप इसको किसी भी आउटफिट के साथ पहनोगे ना आपका जो लुक है इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा. ये मैंने एक लोकल शॉप से खरीदा था. तो इसके साथ ये टीका है, ये इयर रिंग्स हैं जो इसके साथ आए हैं. तो ऑल टुगेदर ये पूरा ज्वेलरी सेट है. अगर आप चाहें तो इसको अपनी शादी के दिन भी पहन सकते हो, इतना प्यारा सेट है ये. और अगर मैं इस सेट की कीमत के बारे में बात करूँ तो ये सेट मैंने अप्रोक्सीमेटली 2000 में खरीदा था 3 साल पहले. तो 2000 में मुझको एक बहुत ही प्यारा सेट मिला था. एक हमारे यहाँ पर जो मार्केट है लोकल मार्केट है वहीं से जाकर मैंने ये सेट खरीदा था. और उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और एंड इसके बाद जो मैं आपको सेट दिखा रही हूँ ये है कुंदन एंड पर्ल लॉन्ग नेकलेस. ये मैंने लास्ट ईयर लिया था फ्रॉम जावेरी पर्ल. मेरी मोस्टली जो ज्वेलरी है जो मैंने ऑनलाइन परचेज की है वो मैंने जावेरी पर्ल से ली है, क्योंकि मुझे उनकी जो ज्वेलरी है एक बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगती है. दूसरा उनकी जो सेट की जो क्वालिटी है मुझको बहुत अच्छी लगी. तो ये वाला जो सेट है ये मैं अपनी फ्रेंड की शादी में पहन चुकी हूँ. वैसे तो आज तक मैंने इसको सिर्फ एक बार ही पहना है बट आई एब्सोल्युटली लव दिस सेट. इसको अगर आप चाहें तो आप अपने वेस्टर्न ड्रेस के साथ स्टाइल कर सकती हैं और अगर आप चाहें तो अपने एथनिक वेयर के साथ स्टाइल कर सकते हैं विद योर कुर्ती, विद योर सूट, साड़ी, विद एनीथिंग. क्योंकि बहुत ही क्लासिक और पर्सनल जो पर्ल जो कुंदन है जो कॉम्बिनेशन है ना यार, मुझे ऐसे कॉम्बिनेशन मुझको बहुत अच्छा लगता है. बहुत ही प्यारा एलिगेंट सेट है. और इसके साथ ही ये जो इयर रिंग्स आए इसके साथ छोटे छोटे इयर रिंग्स. सो इसके जो प्राइस है वो मैं नीचे वीडियो में आपको दिख जाएगा ये कितने का मुझको पड़ा है. और ये जितनी जो मैंने ज्वेलरी ली है ये सभी ज्वेलरी मैंने ली है सेल के टाइम पर. यूजुअली मैं अपनी ज्वेलरी तभी परचेज करती हूँ जब उस पर सेल चल रही होती है, क्योंकि सेल के टाइम पर ऑब्वियसली आपको काफ़ी अफोर्डेबल पड़ता है. ओके, तो उसी सेट के साथ ही मैंने लास्ट ईयर ही एक ये सेट भी लिया था. तो दिस इज पर्ल चोकर. बहुत ही प्यारा लगता है जब आप इसको पहनते हैं. बहुत ही एलिगेंट और सिंपल सा लुक जब आपको चाहिए होता है ना कि यार मुझको कुछ हैवी ज्वेलरी नहीं पहना बट समथिंग यू वांट टू वेयर कि जब आपके पूरे लुक को चेंज कर दें, तो ये वो सेट है. और ये हमेशा ट्रेंड में रहता है, आप इसको जब भी पहनेंगे इट विल ऑलवेज ऑलवेज लुक गुड. और ऊपर से जो है ग्रीन और ये व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है ना इट लुक्स सो गुड. ये सेट मैंने लिया था 300 समथिंग का. इसका जो एग्जैक्ट जो प्राइस है क्योंकि 300 समथिंग मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये बहुत ही मुझको मुझे लगा कि भाई कॉट 300 समथिंग में मुझको ये सेट पड़ रहा है. इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वीडियो में मैं मेंशन कर दूँगी. और इसके साथ ही जो ये इसके साथ ये एज तक एक एयर रिंग्स मिले थे मुझको. ये सेट मैं अभी तक मैंने एक बार भी नहीं पहना, ये ऐसे ही रखा हुआ है. पता नहीं क्यों मैंने इसको पहना नहीं, क्योंकि कोई ओकेजन ऐसा आया ही नहीं जहाँ पर मैं इसको पहनूँ शायद. तो ये पर आई जस्ट लव दिस सेट. दिस इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट सेट. चाहे भले ही मैंने इसको पहना ना हो पर ये मुझको लगता बहुत अच्छा है. चाहे अब और मैं सोच रही हूँ कि मुझको ऐसे ही पर्ल वाले कुछ और चॉकलेट अपने लिए मंगा लेने चाहिए. यू नो पर्ल चॉकलेट लुक्स ऑलवेज
classic and I just love all necklaces. Truth. और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सेट जो मैंने रिसेंटली अपने लिए मंगाए हैं फॉर फेस्टिव सीजन्स, चाहे मैं पहनूं या ना पहनूं, पर पता नहीं क्यों मैं सेट्स मंगाती रहती हूँ बिकॉज़ आई जस्ट लव ज्वेलरी यार। मुझे लगता है कि माय गॉड ये वाला ज्वेलरी सेट कितना अच्छा लग रहा है, ये वाला कितना प्यारा लग रहा है, तो मैं ना उसको आदत है ज्वेलरी इकट्ठा करने की। तो जो मैंने नए नए ज्वेलरी सेट्स मंगाए हैं मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ, और अभी तक मैंने उनको पैकिंग से भी नहीं निकाला है। सो जो नेक्स्ट ज्वेलरी सेट है वो ये है, दिस इज कुंदन पर्ल लॉन्ग नेकलेस विद मांगटीका एंड टू इयररिंग्स। और आई वाज सो सरप्राइज्ड टू सी क्वालिटी ऑफ दिस नेकलेस, बहुत ही प्यारा है। जितना ये फोटो में अच्छा लग रहा था ना उससे कहीं ज़्यादा ये रियल में अच्छा लग रहा है। इसकी क्वालिटी उसको बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, आप देखिए ज़रा बहुत ही प्यारा लग रहा। जब इसको मैं आई गेस जब इसको पहन कर देखूँगी ना आई विल लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। सो अभी तक तो ये पूरा पैक है, देखो अभी मैंने उसे खोल के नहीं देखा, मुझे लगे जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तभी मैं इसको ट्राई करूंगी, पर जब मैंने इसकी क्वालिटी देखी है यार आई वाज लाइक लिटरली इन लव विद इट। तो ये वो सेट है जिसको ट्राई करने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। और ऊपर से इसके साथ जो इयररिंग्स दिए हुए हैं, मतलब काफ़ी बड़े इयररिंग्स हैं यार। इसको आप अगर आप चाहिए तो इसके जो इयररिंग्स और जो मांगते हैं इनको आप अलग से भी पहन सकते हैं। ये सेट मैंने मंगाया है अजियो से। ओके जावेरी पॉल के जो सेट्स हैं अजियो पर भी मिल रहे हैं, नायका फैशन पर भी है, मिंत्रा पर भी है, अमेजोन पर भी है। सो व्हाट आई डिड मैंने लिटरली मैंने सभी जगह पर रेट्स कंपेयर किए कहाँ पर मुझे कौन सा सेट सस्ता पड़ रहा है। तो ये जो सेट था अजियो पर और नायका फैशन पर तो मतलब काफ़ी डिफरेंस दोनों में लग रहा था। पहले मैंने नायका फैशन पर लिया था बट देन आई बॉट इट फ्रॉम अजियो क्योंकि वहाँ पर ये मुझको बहुत सस्ता पड़ा एज कम्पेयर टू नायका। तो ये मुझको पड़ा है, इसकी एग्जैक्ट रेट्स मैं आपको बता दूँ क्योंकि मेरे पास इसका स्लिप भी है। तो ये मुझको पड़ा है लॉन्ग नेकलेस 860 रुपीज़ का। ओके और जो नेक्स्ट ज्वेलरी सेट है वो है ये कुंदन मीडियम नेकलेस, ग्रीन कलर में है, मेरे पास इस तरह का नेकलेस नहीं था तो ये मैंने अपने लिए मंगाया। इसके साथ मांगटीका भी है, जो इयररिंग्स भी हैं, और सेट इस तरह का है कि आप अपने मतलब अगर किसी की शादी में भी अगर आप पहन के जाना चाहें तो आराम से क्योंकि पूरा आपका जो नेक है वो कवर कर देगा। क्वालिटी भी अच्छी है, ये भी जावेरी पॉल का ही है। तो मोस्टली जितने मैंने नेकलेस दिखाए हैं ऑनलाइन शॉपिंग के इसमें मैंने जावेरी पॉल से ही लिए हैं। आई ट्रस्ट दैट ब्रांड लिटरली क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है बहुत अफोर्डेबल रहती है, ऊपर से प्राइस रेंज जो है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। आई परचेज इट फ्रॉम अजियो क्योंकि वहाँ पर इसका ज़्यादा डिस्काउंट मुझे मिल रहा था। तो ये मुझको पड़ा है 613 रुपये में। ओके लास्ट ईयर ही जावेरी पॉल से मैंने जब वो सेट्स लिए थे तो उनके साथ मैंने एक ही सेट भी लिया था, ये रेड और ग्रीन कलर में मल्टी कलर सेट बोल सकती हूँ मैं इसको क्योंकि इसमें सारे कलर्स अवेलेबल है, पॉल का भी काम है। तो ये एक सेट था जो मुझको देखते बहुत अच्छा लगा था और लिटरली क्योंकि बहुत लाइट वेट सेट है और जिसके साथ भी आप कुछ भी प्लेन मतलब आपका सिंपल सा प्लेन सा आउटफिट उसके साथ बहुत ही प्यारा लगेगा। इसको मैं एक बड़ी शादी में पहन चुकी हूँ, मैंने वाइट कलर का लहंगा पहना था वाइट एंड गोल्डन कलर का, तो उसके साथ मैंने ये ज्वेलरी सेट पहना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था। और इसके साथ सबसे अच्छी बात है कि इसके साथ बहुत ही क्यूट क्यूट सी झुमकी है और ये झुमकी ना पहनकर बहुत ही प्यारी लगती है यार, बहुत ही प्यारा सेट है ये। ये मुझको पड़ा था इसका एग्जैक्ट रेट याद नहीं है, मैं वीडियो में इसका एग्जैक्ट रेट मेंशन कर दूँगी कि ये मुझको कितने पड़ा था, पर ये मुझको सस्ते में पड़ा था। जितने भी सेट्स हैं जो सिर्फ 1000 वाले सेट्स हैं उसको छोड़ के बाकी जो सेट्स हैं सभी बहुत सस्ते सस्ते वाले सेट्स लिए हैं मैंने। ओके जो नेक्स्ट नेकलेस है दैट इज ऑल्सो कुंदन एंड पर्ल नेकलेस, लॉन्ग नेकलेस है ये, बहुत ही प्यारा है। जैसे मैंने इसको देखा ना मुझे था कि यार ये नेकलेस तो मुझको लेना ही लेना है। मुझको एक्चुअली पता नहीं क्या आजकल मुझको पर्ल नेकलेस ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और इसका जो स्टाइल है ना देखो कितना प्यारा है यार, मतलब इसको जब पहनोगे ना एक अलग ही लुक आएगा और तो
क्या कहूँ जैसे खूबसूरती के बारे में है, मुझको तो मतलब एक ही नज़र में देखते ही नेकलेस पसंद आ गया। इसके साथ ही कुछ और नेकलेस भी हैं जो मुझको बहुत पसंद आया था, पर मैंने देखे लिए मुझे था कि यार इतनी सारी ज्वेलरी का मैं करूँगी क्या तो मैंने इसलिए अपने लिए यही रखी, पर उनको मैंने अपने बिजनेस में रख दिया है। वो भी मैं आपको वीडियो पे लास्ट में दिखाऊंगी कौन कौन से ज्वेलरी सेट्स हैं जो मुझको और बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, दैट यू कैन ऑल्सो कंसिडर अगर आप खरीदने हो तो। और ये भी मुझको बहुत प्यारा लगा, और इसका जो प्राइस है ये मैंने अजियो से लिया है, और अजियो पर मुझको ये पड़ा है 634 रुपीज़ का। सेम सेट अवेलेबल नायका पर भी है, पर अजियो पर इसकी ये काफ़ी सस्ते में एज कम्पेयर टू नायका। जैसे इसको स्टाइल करना है आप वैसे आप स्टाइल कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। जैसे आपको अच्छा लगे एथनिक वेयर के साथ, वेस्टर्न वेयर के साथ, क्योंकि इतनी खूबसूरत सेट है ना, आप जैसे इसको स्टाइल करोगे ना बहुत प्यारा लगे। मैंने काफ़ी जगह देखा है इस सेट को, तो मुझको था कि यार उसको भी ये सेट चाहिए, बहुत ही प्यारा लगा मुझको। और ऑब्वियसली अगर आप इसको पहनते हैं तो ये बहुत ही अलग रूप देगा, बहुत ही प्यारा लगा मुझको ये। और ये देखो ये वाला जो सेट है ये भी जावेरी कॉल का ही है, ये नायका पर भी अवेलेबल है और अजू पर भी अवेलेबल है, अमेजोन पर भी अवेलेबल है। तो मैंने सभी जगह इनकी कीमतें देखी और मुझको ये अमेजोन पर ज़्यादा सस्ता पड़ा, तो फिर मैंने ये अमेजोन से मंगाया। इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है वो मैं वीडियो में मेंशन कर लूँगी कि मुझे एग्जैक्टली कितने का पड़ा ये, पर सभी जगह पर रेट में काफ़ी डिफरेंस था, नायका फैशन पर भी और अजियो पर भी और अमेजोन पर भी। अमेजोन पर मुझे सस्ता पड़ा था मुझको ऐसा, और ऑब्वियसली ये जावेरी बॉल से आ रहा था ये, तो मुझे क्वालिटी को लेकर तो कोई डाउट था ही नहीं क्वालिटी कैसे होगी, क्योंकि ये जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। गिव अवे से पहले मैं आपको वो सेट दिखाना चाहती हूँ जो मुझको वाकई काफ़ी अच्छी लगी, पर मैंने अपने लिए खरीदी नहीं क्योंकि मेरे पास पहले से काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी हो गई थी। पर ये आप लोग कंसिडर कर सकते हैं खरीदने के लिए, और इन सब की भी जो प्राइस रेंज है दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल, और ये सेट्स काफ़ी अच्छे हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, और उनकी क्वालिटी तो ऑब्वियसली अच्छी है ही। तो ये मैं एक वन बाय वन करके आपको वो सेट फोटो में दिखा रही हूँ जो मुझको अच्छी। तो ये वो सेट हैं जो मुझको वाकई काफ़ी अच्छे लगे। ये सभी जो सेट हैं काफ़ी अलग हैं, क्यूट से हैं, और सबसे बड़ी बात की काफ़ी अफोर्डेबल हैं। तो अगर आप मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ इन केस अगर आपको कुछ वेरी ज्वेलरी दिखाई में से कोई अगर नहीं अच्छी लगी और आप अपने लिए कुछ और ज्वेलरी सेट देख रहे हो, तो ये वो सेट हैं जो वाकई काफ़ी अच्छे हैं, एंड यू कैन कंसिडर बाइंग दिस सेट्स इफ यू आर लुकिंग फॉर वन। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपको मेरी ज्वेलरी सेट अच्छी लगी हो। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है मुझको कि आपको इन ज्वेलरी सेट में से विच वन इज योर फेवरेट, और अब हम बात करते हैं गिव अवे की, ये। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मेरा चैनल वेरीफाई हो गया है, एंड ट्रस्ट मी ये जो जर्नी थी बहुत बड़ी जर्नी रही है मेरे लिए, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। एंड वो होता ना जब चीज़ें मिल जाती हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि आप अपनी खुशी को कैसे जाहिर करें, कैसे शब्दों में इस खुशी को जाहिर करें, तो मुझको नहीं समझ में आ रहा, पर मैं लिटरली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की, आप लोगों ने मेरा कंटेंट इतना पसंद किया। ओके, तो अब हम बात करते हैं गिव अवे की। तो गिव अवे में मैंने रखा है ये ज्वेलरी सेट। एक्चुअली मुझको था कि जो सेट मुझको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझको वो सेट गिव अवे में रखना चाहिए। ऑब्वियसली अपनी ज्वेलरी शादी वाले सेट तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है। ये वाला सेट है जो मुझको बहुत ही प्यारा लगा, एंड लिटरली मतलब ये ऐसा सेट है जो आपके पूरे लुक को ना बदल देगा तो ये मैंने अपने लिए भी मंगाया था, और इसके साथ ही मैंने ये एक और सेट मंगाया था, दो सेट मैंने मंगाए, एक सेट मेरे लिए भी है और एक सेट मैं चाहती हूँ आप लोगों के लिए भी हो। तो इस गिव अवे का जो विनर होगा ये सेट उसको मिलेगा, और इस गिव अवे में आपको करना क्या है, मैं इंस्टाग्राम पर एक गिव अवे पोस्ट शेयर करूँगी इसी ज्वेलरी को लेकर, ही आपको इस गिव अवे पोस्ट में पार्टिसिपेट करना है। उसके रूल्स क्या होंगे वो गिव अवे पोस्ट में मेंशन होंगे, और एक हफ्ते के अंदर उसका जो विनर है मैं अनाउंस कर दूँगी, कोशिश करूँगी एक हफ्ते से पहले ही कर दूँ ताकि फेस्टिव सीजन से पहले आपके पास ज्वेलरी पहुँच जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है उस पोस्ट में मेंशन होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बोनस पॉइंट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको मेरी ये वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इन ज्वेलरी में से कौन सी ज्वेलरी सबसे अच्छी लगी और क्यों वो ज्वेलरी आपको ज़्यादा अच्छी लगी,
और बाकी के जो रूल्स होंगे इस गिवअवे के वो आपको उस गिवअवे पोस्ट में इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है @damuaofficial, तो आप आइए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें और इसके साथ ही उस गिवअवे में पार्टिसिपेट करें। अगर आपको गिवअवे में पार्टिसिपेट करना है इसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ही होगा। तो ये है हमारा पहला गिवअवे और इसके बाद और भी गिवअवे आने वाले हैं। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें एक और गिवअवे होगा। सो गिवअवे पार्टिसिपेट करें और इतना प्यारा सा सेटअप अच्छा लगेगा मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट आप लोगों के लिए। तो ये था गिवअवे और ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपको दोनों भी अच्छे लगे हों। आप गिवअवे में पार्टिसिपेट करें, गिवअवे इसी वीडियो के साथ ही शुरू हो गया है। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, वीडियो में तो मैंने मेंशन कर ही दिया है। आप जाइए इस पोस्ट पर, गिवअवे वाली पोस्ट पर जाइए और वहाँ पर रूल्स पढ़िए क्या क्या रूल्स हैं और इस गिवअवे वीडियो में पार्टिसिपेट कीजिए। और साथ ही जो बोनस पॉइंट्स हैं उनका भी ध्यान रखिए और आप यूँ ही मुझे प्यार करते रहिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय।